दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS SSC नोट्स में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन कंपटीशन लेवल को देखा था, ठीक आज हम उसी मिक्स क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और आप जो है कि जिस प्रकार के क्वेश्चन कराया जाएगा उस क्वेश्चन को जो है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक आप जो है कि इस वीडियो में देखिए। आपके लिए जो कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही आपके लिए क्या है क्वेश्चन आपका जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ठीक है, देखिए आपका पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए कि समीकरण दिया हुआ है 2 के पावर x + 5 = 2 के पावर x + 3 + 12। ठीक है, का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लगी हुई 2x + 5 = 2x + 3 + 12 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो ऐसे सब क्वेश्चनों में आप क्या करिएगा, ऐसे सब क्वेश्चनों में आपको यह करना है कि आप देखिएगा कि पद आपका देखिए सेम है। ठीक है, तो पद को पहले देख लीजिएगा। तो पद को देखने के पश्चात जो है क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, ये दोनों पद बराबर हैं, तो इसको क्या करिए इधर ला दीजिए। 2x·5 − 2x + 3 = कितना हो गया आपका 12 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जब आपका है तो देखिए इस आपको इसको लिखने के लिए आपको विधि पहले चुनी है। इसके लिए आपके देखिए बहुत सी विधि है, लेकिन आप क्या करिएगा पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपकी जो विधि यहाँ पर दिखाई दे x + 5 है ना, तो दोनों एक ही पद की वैल्यू 2 है आपकी, तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2x·2·5 लिख सकते हैं। माइनस सेम इसी प्रकार प्रोसेस इसका भी, देखिए x + 3 की वैल्यू है तो दोनों ये 2 के लिए वैल्यू है, तो 2x·2·3। क्यों? क्योंकि एक्स के पावर ये देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, x·m·x·n = x· क्या होता है m+n होता है, तो ये वैल्यू हमारी जो ट्रिगर करेगी वही वैल्यू को लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 के पावर x, तो 2 के पावर 5 − 2 के पावर 3 बचा, तो 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 32, 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 = कितना 12 लिख सकते हैं। देखिए 2x·, यहाँ देखिए 32 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ 2 के पावर x और इसको 1/2 है ना, तो वैल्यूएशन जब ये ऊपर चली जाएगी तो 2 के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये देखिए आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए -1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना है बेसिकली कि आपकी पॉइंटेबल वैल्यू कहाँ पर है, और जो वैल्यू आपके देखिए यहां पर लिया जा रहा है देखिए वो x·m·x·n पर लिया जा रहा है, इसीलिए इसकी क्या होगी x·m+n होगी, इसीलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो गया x = क्या m−1। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दे रहा है आपका कि यदि व्यंजक x²−2x+a² को x+a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो बताइए कि आपका जो है कि a का मान क्या होगा। देखिए a का मान पूछ रहा है, देखिए इस वैल्यूएशन के ऐसे सब यदि आपका क्वेश्चन यदि आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका दूसरा x²−x+a² यही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बताइए तो x+a से कर रहा है तो a की वैल्यू क्या होगी। देखिए x+a से आपको जो है कि डिवाइड करनी है। देखिए इस सब के लिए आप क्या करिएगा, इस सब के लिए आपको एक ही प्रोसेस करना, मैं बता दूं कि जिस वैल्यू से भाग देने की बात कर रहा है उसी वैल्यू को आप क्या करिए कि 0 के बराबर मान लीजिए। देखिए ये आपका देखिए प्रोसेस कहता है कि जब भी किसी आपकी कोई संख्या दी गई उस संख्या से यदि आपको भाग करना है ऐसे सब प्रोसेस में एक्स की प्रोसेस में, तो आप क्या करेगा उस प्रोसेस को क्या करिएगा कि 0 के बराबर कर दीजिएगा, और जब 0 के बराबर करेंगे तो x = क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आपकी मिली उसी वैल्यू को क्या कर दीजिए आप रख दीजिए। देखिए तो ये वैल्यू मैंने आपको किसके बराबर आपको दिया था, बोलिए आपको a² से दिया था, तो मैंने क्या बोला आपको इसी को किसके बराबर कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को लीजिए तो यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा -a का क्या बोलिए स्क्वायर,
माइनस ए इंटू क्या, माइनस ए प्लस क्या है ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर और प्लस क्या ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए आपका कितना मिल गया फोर ए स्क्वायर बराबर कितना आपका जीरो। जीरो की प्रोसेस पे चल रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी दे रहा है, तो ये वैल्यू दे रहा है कि ए स्क्वायर किस वैल्यू पे डिपेंड होगी। ठीक है हाँ देखिए तो जो आपके वैल्यू आपकी डिपेंड होगी उसी वैल्यू पे चलिए। जीरो वैल्यू पे चल रहे थे तो जीरो वैल्यू पे जो चल रहे थे वो कितने की वैल्यू पे चल रहे थे, हमारा कोई ना कोई वैल्यू होगा तो वैल्यू कितनी होगी ये देखना है। देखिए तो ये वैल्यू हमारी यदि एक्स प्लस ए पर है, किस पर है एक्स प्लस ए पे है, तो एक्स बराबर माइनस ए पे जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही वैल्यू हमारी, देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, देखिए आपकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए तो आपकी जो वैल्यूएशन जिसमें चल देखिए एक पद दो पद तीन पद चार पद, ठीक है तो उस पद को हम किसके बराबर लेंगे आप दिमाग में रखिएगा। देखिए आपको बताते चले रहे हैं किसके बराबर रखेंगे चार के बराबर। ठीक है देखिए तो ए स्क्वायर बराबर कितना मिल गया बोलिए फोर अपान फोर, तो ये कितना हो गया आपका वन, तो ए की वैल्यू मिल गया कितना बोलिए प्लस माइनस वन। ठीक है देखिए इस वैल्यूएशन में हमको ध्यान देने हुए चलना है कि आपकी कैसी वैल्यूएशन किस प्रकार जो है कि ट्रिगर कर रही है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है हमको देखते रहना है। ठीक है दोस्तों चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इक्वल माइनस 50 का मान क्या होगा। देखिए ये दे रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 माइनस 50 का मान क्या होगा। देखिए तो आपको एक बात बताया थे कि जो प्राकृतिक हमारी जो संख्या होती है यहाँ पर, ठीक है तो यदि आपकी वैल्यू है तो इस वैल्यू के लिए आपको बताया बैठे मैंने कि क्या होता है एन एन प्लस वन बाई क्या होता है आपका टू होता है, बताया था ठीक है, और उसके पश्चात क्या है आपका माइनस 50 है। इस वैल्यूएशन को हम लोग क्या प्राकृतिक संख्या को क्या लिखते हैं एन एन प्लस वन बाई क्या लिखते हैं आपका टू लिखते हैं। ठीक है देखिए तो यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक, तो यहाँ हो गया 10 प्लस 1 अपन कितना 2, ये हो गया 5 माइनस आपका 50 है, तो ये कितना हो गया आपका 11 5 कितना हो गया 55 माइनस कितना 50 इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 5 हो जाएगी। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा, प्रोसेस को समझिएगा, ठीक है जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों ठीक देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको प्रेक्षण दिया गया है x x प्लस 3 x x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का यदि माध्य आपका 9 दिया है, तो कह रहा है कि अंतिम तीन प्रेक्षण क्या होना चाहिए। देखिए अंतिम तीन प्रेक्षण का माध्य पूछा है, ठीक है देखिए ऐसे सभी यदि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो जितने आपके दिए गए हैं माध्य, ठीक है उतने ही हम क्या करेंगे उतने उस भाग करेंगे और किसके बराबर, देखिए तो क्वेश्चन आपका दे रहा है कि एक्स, तो एक्स एक्स प्लस 5 हो गया और प्लस आपको दिया है क्या बोलिए एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस कितना 10, कितनी आपकी पद है बोलिए 5 पद हैं, तो 5 से भाग करिए और ये किसके बराबर है 9 के, एक दो तीन चार तो ये कितना हो गया 4x और ये कितना हो गया 7 5 12 12 और 10 कितना हो गया आपका बोलिए 22 और इक्वल टू कितना 45, तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 5 ही है ना, एक्स एक्स प्लस एक दो तीन चार एक्स प्लस 3 भी है, सॉरी एक्स प्लस आपका देखिए छूट गया था एक्स प्लस 3 है, ठीक है तो ये कितना हो गया आपका देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5x और ये हो गया 5 7 5 12 12 10 कितना हो गया आपका 22 और 3 कितना हो गया आपका 25, ठीक है तो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस कितना आपका 25, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4। ठीक है अब आपके 4 मिल गए, अब अंतिम से पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में अंतिम की बात कर रहा है। देखिए तो अंतिम में आपका कितने चीज दिया है, तीन ही चीज दिया हुआ है, क्या दिया x प्लस 5 दिया है, x प्लस कितना दिया 7 और x प्लस कितना दिया आपको 10, यही तो दिया है। ठीक है तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, देखिए x की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 9, x की वैल्यू कितना 11 और ये कितना हो गया आपका 14 हो गया।
ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए भी अब माध्य पूछा तो कितनी संख्या है, बोलिए 3। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि माध्य के लिए हम प्रोसेस को क्या करते हैं कि जितनी आपकी संख्या रहेगी उसी संख्या को क्या करेंगे ऐड करके, और वो क्या करेंगे जितनी कितनी संख्या है 3 संख्या है तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए इसका माध्य यदि हमको निकालना होगा तो ये तो आपको क्या कर ऐड कर दिया और उतने में ही क्या कर दिया आपको बोलिए 3 से डिवाइड कर, क्योंकि 3 संख्या लेके चल रहे थे। तो ये कितना हो गया 20, और 20 और आपका 11 और 20 और 10 कितना हो गया आपका 34 बटा कितना 3, 34 बटा आपका 3 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा प्रोसेस को समझते हुए चलिएगा, आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसको चाहे तो आप देखिए आंसर के हिसाब से आप लोग कह रहे हैं तो देखिए तो कितना हो जाएगा 11 से 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका आंसर हो ही चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेसिकली सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप यदि बहुत आपको लगे कि दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कि एक बार जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ठीक है कि कार्तीय तल में बिंदु आपका दिया गया है, कार्तीय तल में आपका जो है कि बिंदु दिया गया है -2 -3 दिया गया है। ठीक है, अब ये दिया गया है तो ये कह रहा है कि तब बताइए कि किस पद में है, क्या कह रहा है ये बोलिए किस पद में आपका है। देखिए तो पद हमको समझना है, तो पद के लिए हम क्या करेंगे पहले हम लोग चतुर्थांश आपको बता, देखिए चतुर्थांश में देखिए कह रहा है कि यही तो कह रहा है कि किस पद में है, तो जो पद लेके चलेंगे वही हमारा क्या करेगा काम करेगा। देखिए तो पहला ये चतुर्थांश है आपका क्या होता है प्लस प्लस, उसके सामने के चले आइए तो ये होता है आपका माइनस माइनस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, अब बात हुआ दूसरे की, तो दूसरे चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है तो दूसरे में इसके जस्ट जो है कि क्या होता है कि जो आपकी बाएं होती है माइनस, जो दाएं होती है क्या होती है आपकी प्लस होती है, तो जस्ट इसके उल्टा पे चले आइए तो यहां हो जाएगा क्या प्लस और क्या आपका माइनस। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे भी समझने के प्रयास करिएगा, देखिए आपको दो तीन आपको बता दे ट्रिक। देखिए पहला यदि चतुर्थांश प्लस प्लस है तो नीचे वाला उसके नीचे के एकदम प्रोसेस प्लस रहेगा तो दूसरा उसके अपोजिट कर दीजिए, दूसरा क्या करिए अपोजिट कर दीजिए, सेम प्रोसेस इधर भी कर दिए जो आपका माइनस है सेम प्रोसेस रहेगा और इसका क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको याद करने का तरीका है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो किस चतुर्थांश में बोलिए तृतीय चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 5 के लिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी। देखिए ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा भी ले जाएंगे। देखिए 1 x + 1 / x इक्वल टू आपका 5 है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसे सब क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, ऐसे यदि आपका देखिए यहाँ पर यदि प्लस की बात हो रही है ठीक है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तो इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग आप देखिए ट्राई कर लीजिए वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए आपको समझा दे रहे हैं। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स की होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये 5 का भी तो होल स्क्वायर होगा, देखिए आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। देखिए तो ये इसको निकाल देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना 25, एक्स एस कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 23, क्योंकि ये दो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, यही दोस्तों आपका क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स है तो यहाँ क्या करते हैं वो पद ले लेते हैं, और दूसरा पद यदि हम देख लेते हैं कि जैसे आपको पूछ दिया कि उस पद के लिए कोई कौन सी वैल्यू होगी, तो उस पद के लिए आपकी क्या होगी ये 5 है, तो दोनों पक्षों क्या कर दीजिए आपका वर्ग निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर चला आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है अब देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है देखिए क्वेश्चन करने के जो प्रोसेस हैं वो आपके जो है कि आपके तरीके पर निर्भर करता है, बेसिक चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मिक्स क्वेश्चन है, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आपके जो है कि कंपटीशन लेवल में बहुत ही आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है
कि आप क्या करें कि एक्स प्लस वाई के पावर 3 माइनस एक्स क्यू प्लस वाई के पावर क्यू का गुणनखंड पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गुणनखंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कि एक्स प्लस वाई के पावर 3 माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। देखिए ऐसे सब क्वेश्चनों में क्या करते हैं लड़के, ऐसे सब क्वेश्चनों में लड़के ये करते हैं कि इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को काम कर नहीं, इस प्रोसेस पे इस प्रोसेस लागू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीव प्रोसेस लागू है तो एक क्यू प्लस बी क्यू का लगा दीजिए, थ्री एक्स वाई, एक्स प्लस वाई मिल गया, और देखिए यहाँ पर ले लीजिए एक्स क्यू माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो इससे क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया, देखिए कैंसिल हो गया, तो अब देखिए ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, यही इसका क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड हो जाएगा। बात क्लियर होगी? ठीक है, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को अब बेसिकली समझते चलिए। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका जो है कि अगला आपका ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, कितना है 500 है, दुकानदार 5% की क्या करता है छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो बोलिए कि वस्तु की लागत क्या होनी चाहिए। देखिए तो बताइए अंकित मूल्य का मतलब क्या, जो अंकित हैं, जो सामान पर अंकित हैं, ठीक है, प्रोसेस की बात कर रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है आपका, बोलिए 500, ठीक है, और 5% की छूट भी देता है, तो कब देता है, जब अंकित मूल्य 500, फिर भी 25% और उसमें भी क्या करता है, 25% लाभ कमाता है। देखिए भाई 25% किस में लाभ कमाता है ये तो पता नहीं है, अब नया मूल्य में ही कमा रहा है कि किस में कमा रहा है ये देखना है। देखिए तो मान लीजिए कि नया मूल्य आपका एक्स है, तो मान लीजिए किसी चीज़ का 100% ही तो मूल्य होता है, कितना होता है 100% मूल्य होता है, तो 100% में कितना लाभ कमाता है, बोलिए 25%, 25% की क्या करता है वो 100 पे ही लाभ कमाता है। ठीक है, जो उसका अंकित मूल्य है, देखिए इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि जो उसके बराबर माना गया है कि इतना जो 25% लाभ कमाता है वो अंकित मूल्य के कारण कमाता है, और अंकित मूल्य जो कमा रहा है, अंकित मूल्य की बात कर रहा है ना, हाँ 5% की छूट देता है, तो 5% की छूट 100 में से ही तो 5% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब कितना हुआ 100 जो तो वैल्यू है उसी में 5% की छूट दे रहा है, तो कितने में दे रहा है 100 पे ही दे रहा है। चलिए हो गया, देखिए ये आपका मिल गया, यहाँ से आप क्या करिए कैंसिल करा दीजिए, तो एक्स इंटू कितना हो गया 125 इक्वल टू कितना हो गया आपका 500, और ये कितना हो गया 95। ठीक, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 500 इंटू 95 अपन कितना 125। ठीक है, अब देखिए 100 यहाँ पे चलिए तो आपका जो है कि कटा लीजिए, तो 25 5 125, और ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये कितना हो गया आपका, कितना 4 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 380 रुपये का, ये 380 रुपये का क्या करेगा, बोलिए आपका लागत मूल्य इस वस्तु का, चलिए इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, तभी तो 25% का लाभ दे रहा था और 5% क्या दे रहा था, छूट दे रहा था, इसलिए इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 380। ऐसे सब क्वेश्चनों पे आप क्या करेगा, आप लगाते रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको मिक्स क्वेश्चन, और ये पूरे क्वेश्चन के लिए आप दोहरा लेंगे, प्रोसेस को बार बार करेंगे, तो आपको किसी कंपटीशन लेवल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आपका नौवां क्वेश्चन क्या है ये देखिए, देखिए आपका जो है कि नौवां जो आपका क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए कि पूरा है 248 है प्लस अंडर रूट आपका 52 है प्लस अंडर रूट आपका 144 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब इसकी वैल्यू के लिए लड़के क्या करते हैं, इस वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि पहले अंतिम से चलते हैं, क्या चलते हैं अंतिम से, तो अंतिम क्या है बोले 144 है। अब 144 से दिमाग 144 किसका वर्गमूल होता है क्या, तो हाँ किसका होता है 12 का, कितना 12 का। देखिए तो इसका अंत भी हो गया, इसको लिख सकते हैं 248 प्लस अंडर रूट कितना 52 और 144 किसका हो जाता है बोलिए 12 का, कितना 12 का। अब क्लियर हो गया, देखिए अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब इसमें देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए 52 और 12 कितना हो गया आपका 64। अब इसमें दिमाग रखिए 64 किसका होता है बोलिए, तो किसका होता है बोलिए 8 का होता है, किसका होता है 8 का, देखिए आ गया। अब ये 248 और 8 कितना हो गया
बोलिए 256 किसका, 256 और 200 आपका 56 हो गया, तो 256 आपका किसका हो जाता है, बोलिए 256 किसका होता है, बोलिए निकाल लीजिए इस वर्गमूल, आपको पता ही होगा किसका होता है, 16 का होता है दोस्तों, किसका 16, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, ये बात सुनिए, देखिए क्वेश्चन आपका ये अगला ये चीज है, ठीक है, कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि यदि आपका 16% जब 21 से जोड़ा जाए, तो भाई अब किसका है, अब किससे जोड़ा जाए, तो एक मान लेते हैं कि एक्स का ही 16% एक्स का ही क्या 16% 21 से जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, बोले 21 से जोड़ा जाता है, तब आपकी संख्या क्या होगी, तो पता नहीं वही x, क्योंकि जो संख्या से 16% लिया जा रहा है वही संख्या क्या की जानी है, माना गया है। ठीक है, अब देखिए x का आपका 16% तो मान लीजिए 16% आपका दे रहा है, 16% यहाँ पर x माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिख दे 21, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना परसेंट होगा तो वही वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर चला आ जाएगा। देखिए ये 16 है आपका एक्स है, तो 16 बटा क्या 100 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 21, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना 25x अपान कितना बोलिए 21 गुणे कितना 25। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 20, सॉरी ये माइनस होगा, ध्यान रखिएगा मिस्ट, देखिए ये कितना हो जाएगा 21 एक्स इक्वल टू माइनस 21 इंटू कितना, इससे क्या हो गया बोलिए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस एक्स इक्वल के, वहीं यदि आप 25 जोड़ देंगे तो वहीं उसकी क्या हो जाएगी 16% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे सब क्वेश्चन पे आप लगाते रहिए, देखते रहिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और देखिए बेसिकली मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग कम से कम समय लेते हुए क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ठीक है, और हम लोग अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के लिए आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसी 5 सदस्यों वाले, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, बोलिए 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब उससे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब दिमाग में रखिए कि कुल संख्या कितनी है, बोलिए 5 है, कितने सदस्य हैं, बोलिए 5 सदस्य, तो 5 सदस्य हैं, अब औसत आयु भी कितना दिया है 20 वर्ष, तो अब दिमाग में रखिए कि कुल आयु क्या बोल रहा है, कुल आयु ले लीजिए आप ना, तो कुल आयु यदि ज्ञात करेंगे तो 5 सदस्य और औसत आयु 20 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, बोलिए 100, इनकी जो आयु होगी कुल आयु कितनी होगी 100। अब देखिए इसमें कह रहा है कि छोटा जो आयु है वो कितना के है 10 का, कितने का है 10 का, तो ये देखिए जो 10 का है छोटा वाला, अब तो निकाल लीजिए इसका भाई परिवार की आयु निकाल दीजिए। देखिए तो परिवार की आयु यदि हम लोग निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो इसका मतलब हमारा टोटल कुल आयु 100 है, कितना है 100 है, और आपके जो छोटा सदस्य हो पांचे में से तो आपके कोई छोटा सदस्य था, बोलिए तो छोटा सदस्य आपका 5 में से ही कोई एक था, तो मान लीजिए आपके क्या है वही 10 सबसे छोटा वाला था, तो इसका मतलब हो गया कि 100 माइनस कितना हो गया 50, अर्थात जो है कि परिवार की जो आपकी मध्य औसत आयु चल रही हो कितने चल रही है 50 वर्ष की चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन है अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी, परिवार की पूछ रहा है कि औसत आयु कितनी होगी। देखिए तो परिवार की हमारी तो आयु पूरी 50 निकल गई, और कितने टोटल सदस्यों की 5 थी, ये कटा दीजिए कितना हो जाएगी 10, अर्थात परिवार की जो हमारी औसत आयु चल रही थी वो कितनी बड़ी चल रही 10। और ऐसे भी ट्रिक पे लगा सकते हैं कि जो छोटा वाला है तो छोटे सदस्यों पे सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, तो उसी को क्या मान लीजिए आप, मान लीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक वृत्त की परिधि 4π से 8π बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक से क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए उसमें कुछ करनी है करना है नहीं है, आपको पहले मैंने बता दें कि जो वृत्त की परिधि है, ठीक है इतना से इतना क्या कर दी जाती है बढ़ाई जाती है, तब आपका कितना होगा, यही बात हो रही है ना। देखिए तो आपको कुछ नहीं, देखिए तो आपको वृत्त की परिधि 2π r1
टू पाई आर होता है। अब देखिए टू पाई आर वन यहाँ ले रहे हैं तो ये कितना दिया, पहले के लिए फोर पाई दिया है, ये पाई से पाई दो दूनी कच, तो आर वन इजकल टू आपका टू हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरे के लिए आप लेते हैं तो ये कितना दिया, एट पाई दिया है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया चार, तो आर टू का मान कितना हो गया, बोलिए आपका चार हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मिल गया। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो कितने की क्षेत्रफल की, तो पाई आर वन स्क्वायर अपान लिख देते हैं पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर वन ये पाई से पाई कैंसिल, तो आर वन अपान कितना, बोलिए आर टू, आर वन अपान कितना है आर टू। देखिए आर वन अपान आर टू की बात कर रहा है कि आर वन अपान आर टू की बात कितनी होगी, तो देखिए तो आर वन अपान किसकी बात कर रहा है, अच्छा क्षेत्रफल की, देखिए तो वही निकाल रहे हैं, तो आर वन अपान आर टू, तो आर वन की वैल्यू कितनी है दो, तो दो का आपका वर्ग कितना चार, और R2 की वैल्यू कितनी है चार, तो चार का वर्ग कितना सोलह, तो कितना हो जाएगा एक बटा चार, अर्थात तो पहले जो क्षेत्रफल होगा उसके कितना गुना होगा, बोलिए चार गुना हो जाएगा। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चार गुने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग लगाते चल रहे हैं। देखिए अब आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ये ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपका बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए आपको देखिए कितने कम समय हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बेसिक लगाते चलिएगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखिए अब आपका जो है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि n प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा। देखिए आपका प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए आपको मैंने बताया था कि आपकी वैल्यू, देखिए प्राकृत संख्याओं के लिए होता है ऐसे सब क्वेश्चन में प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं के लिए आपको बताया था क्या होता है, एन प्लस वन बाई टू होता है। वहीं आपको किसके बराबर दिया है, बोलिए 15 के बराबर दिया है, किसके 15, तो एन इजकल टू यहाँ कितना होगा 15 दूनी 30 और इधर आ जाएगा माइनस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 20, अर्थात यही एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते चलिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है कि यदि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के क्या है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के क्या है, बोलिए बराबर है। देखिए तो कोटि पूरक कोण, देखिए कोटि पूरक कोण के लिए सबसे अच्छा आप लोग याद रखिए कि दो कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है आपका 90 होता है, कितना होता है 90, तो ये कह रहा है कि कोटि पूरक कोण के बराबर होता है कितना होगा, तो देखिए दो कोटि पूरक कोण का वैल्यू कितनी होती है आपके, बोलिए 90 होती है। देखिए दो कोटि पूरक, तो दो की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 90 है, मान लेते भाई पहला कोटि पूरक दूसरा कोटि पूरक की वैल्यू कितनी है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 45, अर्थात यही इसका क्या होगा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है कि काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, देखिए कि आपकी जो वैल्यू दी गई है वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू की मान कितने, देखिए ये आपका जो है कि रूट सेवन प्लस रूट सिक्स रूट सेवन माइनस रूट सिक्स प्लस 200 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, देखिए तो इस वैल्यू को आप लोग आराम से निकाल लें। देखिए ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, ये तो वैल्यू पहले ही निकल गई ना आपकी, तो ये सूत्र क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बी स्क्वायर बन जाएगा। तब देखिए अब ये आपका निकल जाएगा कितना होगा रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना 200। तब देखिए यहाँ 7 और माइनस 6 प्लस कितना 200, तो ये कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। ठीक है, यही से ऐसे ही सब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लगाते चलेंगे और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसे ही आपसे हमेशा मिलते रहेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाते लेके चलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके हमेशा प्रारूप लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपके दोस्तों नमस्कार। ठीक।